हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग बात करने चाह रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं हम लोग के काउंसलिंग सेशन में, हम लोग के साइकोलॉजिकल सेशन में, कि वो बोलते हैं कि हमारा गुस्सा कम नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गुस्सा एक एटीट्यूड है, एक एक्सप्रेशन है, जो कि पॉजिटिव वे में भी यूज़ हो सकता है और निगेटिव वे में भी यूज़ हो सकता है। पॉजिटिव वे में ऐसे यूज़ हो सकता है, जैसे कि जो बच्चे होते हैं, अगर कोई वो बात नहीं मान रहा है तो हम उनको जो गुस्सा दिखाते हैं उसके कारण उनके मन में ये एक डर व्याप्त होता है कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, ऐसा करने से मेरे माता पिता गुस्सा हो सकते हैं। तो वो तो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, लेकिन इसके निगेटिव एस्पेक्ट ये हैं कि अगर ये एंगर आपके एक बिहेवियर में आ जाता है, आपके एटीट्यूड में आ जाता है, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ख़तरनाक है। क्योंकि जब भी आप क्रोध में आते हैं, एंगर में आते हैं, तो कई तरीके की डिजीज़ वो क्रिएट कर सकते हैं आपके बॉडी में। लाइकवाइज हेडेक, क्योंकि अमूमन देखा होगा आपने, जिसको गुस्सा आता है वो अपना सर पकड़ के बैठ जाता है। इसके बाद जो पेशेंट एंगर में बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक वे में रहते हैं, तो वो डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, एंग्जाइटी में भी जा सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम उन्हें हो सकता है, स्ट्रोक्स आ सकता है। आजकल जो एक्जिमास हो रहे हैं, जिनको क्रॉनिक एक्जिमा है, एक्जिमा ठीक नहीं होता, उसका कारण भी कहीं ना कहीं एंगर है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, एंगर इज़ नॉट अ गुड थिंग। इसको निगेटिव वे में अगर आप ले रहे हो, आपके वो व्यवहार में आ रहा है, तो उसको बहुत जल्दी से जल्दी आपको ठीक करने की ज़रूरत है। अब क्या क्या तरीके हैं जिससे कि एंगर नेचुरली ठीक हो सकता है, उसमें सबसे पहले तो काउंसलिंग। आप किसी भी अच्छे काउंसलर से मिलिए जो आपको टेक्निक्स बताएगा कि किस तरीके से आप अपना एंगर को कम कर सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन थेरेपी वो बताएगा आपको, जिससे आपको पता लग सकता है कि आप अपना एंगर को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हो। और कुछ मेडिटेशंस और रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपका एंगर कम होता है, या फिर आप लॉन्ग वॉकिंग पे चले जाइए, या फिर आप म्यूज़िक थेरेपी कीजिए। अब कुछ नेचुरल वे हैं जो कि वास्तु में आते हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, और वो आप अपनी अगर डे टू डे प्रैक्टिस में करते हैं तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप अपने लाइफ से रेड कलर को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि रेड कलर से आपका एंगर बढ़ता है। अगर आप रेड कलर का यूज़ करेंगे, तो जैसे कई लोग अपने दीवारों पर रेड कलर का यूज़ कर लेते हैं, या कपड़े रेड कलर का पहनते हैं, बेडशीट या फिर टॉवल, तो वो रेड कलर आप अपने लाइफ से निकाल दीजिए। दूसरा, आप अपने पूर्व की दिशा में, जो आपका घर हो वहाँ पर कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। भारी सामान अगर कोई रखा है तो वो हटा दीजिए। उस भारी सामान की जगह आप एक दीपक जला के रखिए। अपने घर में सुगंधित वातावरण बनाने के लिए आप फूलों का यूज़ कर सकते हैं, डेकोरेशन यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी आपके कॉर्नर्स हैं आपके घर में, वहाँ पे आप सेंधा नमक को पानी में डाल करके रखिए, वो भी आपकी निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करके वहाँ से नलीफाई करता है। आप धरती माँ को, जब भी आप सुबह उठते हो तो धरती माँ को आप स्पर्श करके, चुंबन करके उठें, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट इसमें डालता है। सूर्य देवता को अगर आप जल चढ़ाते हो सुबह सुबह, वो भी आपके गुस्से को कम करता है। चंद्रमा को देखना, उससे भी आपके मन में शीतलता आती है, और सोमवार का व्रत करने से भी आपका गुस्सा कम होता है, एंगर कम होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, अलोंग विद, अगर आपके आसपास के एरिए में अगर साफ सफाई नहीं है, तो आप अच्छे से नीट एंड क्लीन अगर रखेंगे अपने घर को, अपने जिस जगह पे आप काम कर रहे हो, तो भी आपका एंगर कम होगा। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने आपको बताया है, और बहुत सारे मेरे रिलैक्सेशन थेरेपी हैं मेरे चैनल पर, आप उसको भी जाकर सुन सकते हैं, और भी यूट्यूब चैनल पर आप रिलैक्सेशन थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी सुन सकते हैं। और अगर तब भी आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व हो रही है, तो किसी अच्छे काउंसलर से आपने लिए। तो ये मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जिनको बहुत गुस्सा आता है और जो चाहते हैं कि उनका गुस्सा कम हो जाए। तो ये मेरे वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जिनको गुस्सा आता है और वो अपना गुस्सा कम करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।